विधायक ने महिला समूह वर्क साइट का किया शिलान्यास। आपको बताते चले, भूमि पूजन करके रखी गई नींव। तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत दयोरिया अब्दुल्लागंज मर्जा अब्दुल्लागंज में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा व ब्लॉक प्रमुख गोपाल कृष्ण, बीडीओ ओम प्रकाश प्रजापति, ग्राम प्रधान जाकिर खां, ग्राम सचिव संजय कुमार मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक ने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष बताया। अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलना तय है। आजादी के 75 वर्ष से ना हो पाया वह हमने 5 वर्ष में कर दिखाया। अभी मीरगंज क्षेत्र में 10 नए पावर हाउस, 2 नए पुल का निर्माण, पानी की टंकियों का काम शुरू होने जा रहा है। ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्वयं सहायता समूह पर महिलाओं को बैठने की कोई जगह नहीं थी। इसे ध्यान रखते हुए शासन ने उनकी बैठने की जगह निश्चित की है। तब मैं 2017 से पहले इस दिवरिया की तीनों मंजरे, चाहे वो अब्दुल्लागंज हो, अजमतगंज, सलामतगंज या ये गौतिया अब्दुल्लागंज या हमारी पड़ोसी गौतिया और खुदागंज, चारों गौतियों में आजादी के 70 साल में विकास के नाम पे शून्य था, कुछ भी नहीं हुआ था। कोई भी योजना इन गांव में नहीं आई थी। मैं जब यहां आता था इन गौतियों में, तो सबसे पहले ये हमारे आर्य बंधु और सबसे पहले ये बड़े भाई हमारे बैठे हैं, ये सबसे पहले हमसे कहते थे कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो आप बिजली करा देना, आप अगर विधायक बन जाए तो हमारी गौतियों को बिजली करा देना। जैसे ही मैं विधायक बना, सबसे पहले इनकी बिजली करा दी। उसके बाद जब बिजली हो गई तो कहने लगे साहब जब नाला में पुलिया बनवा दो, क्या बहुत जरूरी। हमने कहा हाँ, एक निपटी को तो अगली मांग।